मैं गुजारिश गुजार हूँ, तहज के बाद अब मैं तरन्नुम की तरफ ज़रा नज़र करता हूँ और अपनी फहरिस्त उठा के देखता हूँ तो मुझे एक ऐसा नाम दिखाई देता है जिसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता है और ऐसे एक शहर को मोहतरम जनाब नफीस साहब हल्लोरी कहा जाता है। मैं गुजारिश गुजार हूँ नफीस साहब हल्लोरी की खिदमत में माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामईन को नवाजें। चार मिसरे पेश करता हूँ, समाप्त करें हजरात। बिल्कुल एक नई रदीफ। कोई नहीं अली सा मिला दूर दूर तक, रदीफ का मजा लें आप जरा। कोई नहीं अली सा मिला दूर दूर तक, लेकर चिराग ढूंढा गया दूर दूर तक। कोई नहीं अली सा मिला दूर दूर तक। मिसरा समाप्त करें, जाया ना जाने पाए कि तेगे अली चली तो किसी की नहीं चली। सुने हजरत, सुने। तेगे अली चली तो किसी की नहीं चली, तेगे अली चली तो किसी की नहीं चली, मैदान में कोई न मिला दूर दूर तक, मैदान में कोई न मिला दूर दूर तक। हजरात बिल्कुल इख्तसार से काम लूँगा, आप हजरात परेशान ना हो और समाप्त करें। मैं एक कलाम पेश कर रहा हूँ जो अभी पिछले रजब में पाकिस्तान का मिसरा हुआ था कि मदह अबू तुराब से फुर्सत नहीं मिली। सदा भाई देखेगा, लखनऊ में पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं। मदह अबू तुराब से फुर्सत नहीं मिली, समाप्त करें हजरात। एक एक मिसरे पर तवज्जो चाहूँगा। जिसको मेरे अली की मोहब्बत नहीं मिली, जिसको मेरे अली की मोहब्बत नहीं मिली, उसको किसी भी दौर में इज्जत नहीं मिली, उसको किसी भी दौर में। बड़े भाई नैयर भाई, शेर पेश कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। एक एक मिसरे पे दाद चाहूंगा, आप हजरात से तवज्जो चाहूंगा। जो ये कहे कि नुक्ते बासे बुलंद हूं, जो ये कहे कि नुक्ते बासे बुलंद हूं, कुरान में ऐसी कोई भी आयत नहीं मिली, कुरान में ऐसी कोई भी आयत नहीं मिली। हजरत अब ये शेर मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूं, समाप्त करें। कि बुनियाद जिस की बुग़्ज़े अली में रखी गई, बुनियाद जिस की बुग़्ज़े अली में रखी गई, अरे ढूंढे से उन घरों में शराफत नहीं मिली, ढूंढे से उन घरों में बुनियाद जिस की बुग़्ज़े अली में रखी गई, ढूंढे से उन घरों में शराफत नहीं मिली। और ये भी शेर देखें नैयर भाई, बतौर खास। ईसा को किबरिया से मिला तोहफे हयात, दूसरा मिसरा। ईसा को किबरिया से मिला तोहफे हयात, ले
लेकिन मेरे इमाम सी गैबत नहीं मिली, लेकिन मेरे इमाम सी गैबत नहीं मिली। और पीछे जो भी हजरात बैठे हैं महसूस हो रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, लेकिन अगर हाथ उठा के दुआ दे दें तो शायद मेरी हौसला अफजाई होगी। शेर पेश कर रहा हूं हजरात कि भाव चढ़ा था अश्कों का बाजार हश्र में, शेर पेश कर रहा हूं, भाव चढ़ा था अश्कों का बाजार हश्र में, अरे कुछ लोगों को तो सजदों की कीमत नहीं मिली। भाव चढ़ा था अश्कों का बाजार हश्र में, कुछ लोगों को तो सजदों की कीमत नहीं मिली। हजरत मैं आहिस्ता आहिस्ता उस शेर तक आपको लेके चल रहा हूं जिस शेर पर कराची में एक अजीबोगरीब माहौल हो गया था। मैं उस शेर तक आपको लेके चल रहा हूं, मैं जसारत कर रहा हूं उलमाए कराम की मौजूदगी में। हजरत बचपन से मैं एक मिसरा सुनते चले आ रहे हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। मैंने थोड़ा सा तरमीम करने की कोशिश की है और सबूत के साथ मैं पेश कर रहा हूं। कत्ले हुसैन असल में कत्ले रसूल है, दूसरा मिसरा बतौर खास। कत्ले हुसैन असल में कत्ले रसूल है, मत कहना मुस्तफा को शहादत नहीं मिली, मत कहना मुस्तफा को शहादत नहीं मिली। अब वो शेर मैं पेश कर रहा हूं जिससे पूरी दुनिया में मुझे दुआ हासिल हुई। देखें आपकी इंसाफ पसंद समाते मेरे साथ क्या कर रहे हैं, समाप्त करें कि दुनिया में आते आते कयामत ठहर गई, दूसरा मिसाल समाप्त करें हजरत। दुनिया में आते आते कयामत ठहर गई, क्यों अब्बास को बहन से इजाजत नहीं मिली। दुनिया में आते आते कयामत ठहर गई, अब्बास को बहन से इजाजत नहीं मिली, अब्बास को बहन से इजाजत नहीं मिली। बड़ा एक नाजुक सा शेर पेश कर रहा हूं, बस ये दुआ करता हूं कि इसकी नुदरत आप तक पहुंच जाए। यूसुफ ने शेर लिखा ये अकबर की शान में, यूसुफ ने शेर लिखा ये अकबर की शान में, इतनी हसीन कोई भी सूरत नहीं मिली, हसीन कोई भी सूरत नहीं मिली। हजरत तस्मीन का शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास। मिसरा क्या था, मदहे अबू तुराब से फुर्सत नहीं मिली। मिसरा मैंने अगर लगाया है तो दुआओं से नवाजिएगा। मदहे अबू तुराब से फुर्सत नहीं मिली, जन्नत बुला रही थी मुझे हाथ जोड़ कर, जन्नत बुला रही थी मुझे हाथ जोड़ कर,
हर मद है अबू तो रब से फुर्सत नहीं मिली। जन्नत जन्नत बुला रही थी मुझे हाथ जोड़ कर, मद है अबू तो रब से फुर्सत नहीं मिली। जन्नत बुला रही मुझे हाथ जोड़ कर, मद है अबू तो रब से फुर्सत नहीं मिली। मद है अबू तो रब से फुर्सत नहीं मिली। जी जी आपके हुक्म की तामील। और जी जी जब आपने लखनऊ में सुना था उसके बाद दूसरी बार सिर्फ पढ़ रहा हूँ यहाँ लखनऊ में, इसलिए आप हजरात उसी आबोताब से सुनिएगा। शादाब भाई आपकी जिम्मेदारी है। इस दौर तशद्दुद में पहचान जरूरी है, इस दौर तशद्दुद में पहचान जरूरी है, शियान अली हम हैं ऐलान जरूरी है, शियान अली हम हैं ऐलान जरूरी है। हैदर से चलो पूछे आयात की तफसीरें, आयात की तफसीरें, हैदर से चलो पूछे, हैदर से चलो पूछे आयात की तफसीरें। कुरान समझने को कुरान जरूरी है, कुरान समझने को कुरान जरूरी है, शियान अली हम हैं ऐलान जरूरी है। हजरत ये शेर मैंने पूरी दुनिया में यही कह के पढ़ा है कि जो करबला गए हैं मौला उन्हें दोबारा करबला बुलाए, और जो नहीं गए हैं उन्हें जल्द से जल्द मौला करबला की ज्यारत करे। लेकिन लेकिन नफीस हल्लोरी का ये शेर भी याद रहे, गर सच्ची अकीदत है बुलवाएंगे वो, लेकिन गर सच्ची अकीदत है, गर सच्ची अकीदत है बुलवाएंगे वो, लेकिन मौला की जियारत का अरमान जरूरी है, मौला की जियारत का अरमान जरूरी है, मौला की जियारत का अरमान जरूरी है। आइए जिंदाबाद एक साथ, याली याली। गर सच्ची अकीदत है बुलवाएंगे वो, लेकिन मौला की जियारत का अरमान जरूरी है, मौला की जियारत का अरमान जरूरी है। आइए हजरत अब तारीख इस्लाम का एक नफीस जायर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें हजरत। सलमान की मैयत ने उठकर ये किया साबित, सलमान की मैयत ने, सलमान की मैयत ने उठकर ये किया साबित, हर हाल में हैदर का सम्मान जरूरी है,
की मैयत ने उठकर ये किया साबित, हर हाल में हैदर का सम्मान जरूरी है। क्यों क्यों शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। अब हजरात अगर ये दो ऐलान ना हुआ तो हमारी मेहनत बिल्कुल बेकार हुई। समाप्त कर ले वो दो ऐलान जो इससे पहले जश्न कायम में आपने हजरात ने समाप्त किया था, बतौर खास कि हैदर के जो दुश्मन हैं उन सब पे खुली लानत, अरे बेशुमार। हैदर के जो दुश्मन हैं उन सब पे खुली लानत, हैदर के जो दुश्मन हैं उन सब पे खुली लानत। सुनते हैं कि महफिल के दौरान हैदर के जो दुश्मन हैं उन सब पे खुली लानत। सुनते हैं कि महफिल के दौरान जरूरी है, सुनते हैं कि महफिल के दौरान जरूरी है। क्यों क्यों शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। सुनते हैं कि महफिल के दौरान जरूरी है। अब ये शेर जिसका काफिया यहां पर इस्तेमाल और पढ़ने के लिए मैं उलमाए कराम हजरात से इजाजत चाहूंगा, बड़ा प्यारा काफिया है, उसका कोई गलत मतलब ना निकालेगा। इसलिए इस काफिये के अलावा दूसरे काफिया का यहाँ इंतखाब ही नहीं हो सकता था। समाप्त करें हजरात कि साजिद की अलामत है सजदों के निशान, लेकिन दूसरा मिसरा, साजिद की अलामत है सजदों के निशान, लेकिन साजिद की अलामत है सजदों के निशान, लेकिन जालिम पे तबर्रा भी मेरी जान जरूरी है। जालिम पे तबर्रा भी मेरी जान जरूरी है। क्यों क्यों शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। अब दो शेर वो जो है उसके कबल एक शेर और समाप्त कर लें हजरत, वक्त बहुत कम है, शोराए कराम हजरात बहुत ज्यादा हैं, मैं किसी का वक्त नहीं लेना चाहता हूं। समाप्त करें, गर इश्क़े मोहम्मद का दावा है मुसलमानों, बतौर खास आप हजरात की तवज्जो चाहूंगा, कि गर इश्क़े मोहम्मद का दावा है मुसलमानों, गर इश्क़े मोहम्मद का दावा है मुसलमानों, इमरान के ईमान पर ईमान जरूरी है, इमरान के ईमान पर ईमान जरूरी है, इमरान के ईमान पर ईमान जरूरी है। हजरत अब वो दो शेर समाप्त कर लें जो लखनऊ की ही महफिल से, इस दो शेर से आपका ये भाई पूरी दुनिया में जाना और पहचाना गया, और ये मनकबत मैं नहीं पूरे दुनिया के मनकबत हाँ पढ़ते हैं, शेर सब पेश कर रहा हूँ यहाँ से लेकर आखिरी मजमे तक के सामईन की मैं तवज्जो चाहूंगा। इस्लाम के दुश्मन की औकात बताने को उलमाए कराम हज़रात खास तवज्जो देंगे, इस्लाम के दुश्मन की औकात बताने को, इस्लाम के दुश्मन की औकात बताने को, इस्लाम के दुश्मन की औकात बताने को, संसार के नक्शे पर ईरान जरूरी है। संसार के नक्शे पर ईरान जरूरी है।
संसार इस्लाम के दुश्मन की औकात बताने को संसार के नक्शे पर ईरान जरूरी है। क्यों क्यों शियान अली हम हैं ऐलान जरूरी है। आइए हजरत आखिरी शेर की शक्ल में सबसे जरूरी वो ऐलान समाप्त कर लें कि अगर ये ऐलान हमारे कौम के घरों तक पहुंच जाए, हमारी माँ बहनों तक पहुंच जाए, तो शायद हमारी आप सब की मेहनत कबूल हो जाए, वसूल हो जाए और इस महफिल का, इस जश्न का कुछ मकसद निकल के आए। समाप्त कीजिए, मैं बुजुर्गों की दुआ चाहूंगा कि बेपर्दा न तुम निकलो घर से ऐ मेरी बहनों, बेपर्दा न तुम निकलो, बेपर्दा न तुम निकलो घर से ऐ मेरी बहनों, कुरान अगर सर है जुजदान जरूरी है, कुरान अगर सर है जुजदान जरूरी है, कुरान अगर सर है जुजदान जरूरी है। क्यों क्यों शियान अली हम हैं ऐलान जरूरी है। परवाने जन्नत है मौला से वफादारी, परवाने जन्नत है मौला से वफादारी, हर वक्त नफीस इसका इरफान जरूरी है।